खामोश हो गया। उंगली जिस तरफ उठते चांद घूम जाता था, क्या उंगली जिस तरफ उठती है चांद घूम जाता था। सब नबी पे कुर्बान है, नबी पे कुर्बान है, अजी कोई ना नहीं करते, हवाले के फैसला नहीं करते। और हम और आप उस रसूल पाक की महफिल में शरीक हैं। अनवर भाई वाह वाह, मामला ये कि सरजमीन ताइफ में, सरजमीन ताइफ में क्या कहने, सरजमीन ताइफ फेंकते थे जो पत्थर, सरजमीन ताइफ में फेंकते थे जो पत्थर, के सरजमीन ताइफ में फेंकते थे जो पत्थर। अरे उनके हक में भी आका अजीब बद्दुआ नहीं, ये कह रहे हैं कि ये शेर दोबारा पढ़ दीजिए, आपकी क्या राय है। चाय हाथ में लेके हाथ में उठाइएगा वरना तो एक गट्टी साफ ना हो जाए। जी लगाएं झूम कर पूरा मजमा एक बार कह दे, सरजमीन ताइफ में फेंकते थे जो पत्थर, सरजमीन ताइफ में के हक में भी आता बद्दुआ नहीं करते, उनके हक में भी आता बद्दुआ नहीं करते। और अलावल दवरिया के खुश अकीदा मुसलमानों, इतने सालों से हम लोग आप के मुलाकी नाते रसूल पाक के हवाले से मुलाकात होती रही, जो जज्बे साथी काम का देखा उस मुनासबत से एक बात आपके हवाले करता हूँ। सुनने झूम कर पूरा मजमा एक बार कहते सुभान अल्लाह। हम तो बेहवाले के फैसला नहीं करते, ओ अपने आका पे अलवर जानो दिल लुटाएंगे, अपने आका पे खुदा किसी से भी हम डरा नहीं करते। हम तो बेहवाले के फैसला नहीं करते। अल्लामा आफाक साहब ने एक नारा लगाया कि महफिल गौसे पाक जिंदा है। एक मतला दो बंद सुन ले, इंशाअल्लाह दो तीन मिनट में आपके हवा आगे से हम रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि नूरानी प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मोहब्बत और खलूस के साथ मुलाजा फरमाए, मतलब वाले करता हूँ सुन ले, झूम कर बोल दें, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। बस हो गया बस हो गया अब और रुलाओ लगाओ से पर, ये अगर बोलते ना तो आप खैरियत में रहते ना।